हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक जो है बहुत ही खास होने वाला है। देखें आप, आज जो आपको मैं पढ़ाऊंगा नाउन चैप्टर के नंबर सेगमेंट का प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है भली बात है कि नंबर को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, यानी कि नंबर का अर्थ क्या हो गया। नंबर का अर्थ हम लोग उसको हिंदी में कह सकते हैं वचन, ठीक है। तो नंबर दो प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आप जानते होंगे पहले से कि नंबर को हम लोग बांटते हैं या तो सिंगुलर या हम लोग बांटते हैं प्लूरल, राइट। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, सिंगुलर का अर्थ होता है वन, यानी वन को, यानी कि एक को हम लोग कहते हैं सिंगुलर। और देखें आप, व्हाट इज प्लूरल, देखो आप, मोर देन वन, मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से अधिक को हम लोग कहते हैं प्लूरल, ठीक है ना। तो हम लोग आज इसकी बात करने वाले हैं। तो ये तो आपको मान लो काउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में आया, ये आपका काउंटेबल नाउन हुआ, राइट। और देखो आप, अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो आप, इसके जो रूल्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे हैं। देखो आप, पहले इसका रूल फर्स्ट मैं चाहूँगा आपको बताना। देखो आप, जनरली सामान्यता, देखो सामान्यतः एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। किसी भी नाउन में अगर आप सामान्यतः एस लगाओगे तो बनता है प्लूरल वो। जैसे मान लो आप कहते हो पेन, या आप कहते हो बॉय, या आप कहते हो एग, राइट। तो ये आपका सिंगल है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सिर्फ एक को, राइट। अगर इसमें हमने एस लगा दिया तो ये बन गया प्लूरल, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रूल है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एक आपको होता है साउंड रूल, यानी इसको, इसका उच्चारण कैसे करते हो आप। तो देखो इसका क्या रूल है, सिंपल सी बात है कि जिस सिंगुलर नाउन, एस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, आपका पी के और एफ आए, उसमें एस लगाने पर ठीक है, एस का प्रोनंसिएशन क्या हम लोग करेंगे, स करेंगे। जैसे मान लो आप कहते हो रूफ, ठीक है, लास्ट में एफ आ गया। आप कहते हो मान लो टॉप, पी आ गया। आप कहते हो क्लॉक, clock, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख, लास्ट में आपका एफ आया, पी आया और के आया। अगर इसमें आपने एस लगाया, अगर इसका आपने बनाया प्लूरल, अगर आपने आर डबल ओ एफ एस कर दिया, या आपने इसमें टॉप में आपने एस लगाया, या क्लॉक में अगर आपने एस लगाया, तो इस एस का उच्चारण क्या होगा, इसको आप क्या पढ़ो, उसको पढ़ोगे आप रूप्स, लास्ट में सर आपको डालना पड़ेगा, या टॉप्स लास्ट में सर, या आप कहते हो क्लॉक्स लास्ट में सौ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप, परंतु अन्य जो आपके जो 23 लेटर्स हैं पी के एफ को छोड़ के, जैसे मान लो अन्य 23 लेटर्स में अगर आपने एस लगाया, तो इस एस का जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। मतलब पी के एफ में आपने एस लगाया तो इसका उच्चारण स होगा, अदरवाइज अन्य जो आपके जो 23 जो लेटर्स हैं, अगर उसमें आपने एस लगाया तो उस एस का उच्चारण ज हो जाएगा। जैसे मान लो आप यहीं देखो, आप कहते हो पेंस, अगर आपने पेन में एस लगा के इसका आपने बनाया प्लूरल, तो इसको आप फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पेंज, ज, या आपने कहा बॉय। अगर इसका आपने बनाया प्लूरल, इसमें आपने एस लगाया, तो फिर यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हो जाएगा बॉयज। या अगर आपने मान लो एग में आपने
अगर एग को आपने बनाया प्लूरल, तो फिर इस इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हो जाएगा एग्ज, यहाँ पे ज आपको बोलना पड़ेगा, राइट। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखो जनरली हम लोग जो है किसी भी सिंगुलर नाउन में एस लगा के उसको बनाते हैं प्लूरल, ठीक है। तो अगर जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में पी के एफ आता है, अगर हमने उसमें एस लगाया, तो उस एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, स होगा। और इन तीन लेटर्स पी के एफ को छोड़ के अन्य जो आपके जो 23 लेटर्स हैं, अगर उसमें आपने एस लगाया, तो फिर उस एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। जो आपको मैंने समझाया, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, इसको लिख लें आप। इसी प्रकार देखें आप ध्यान से, जिस एक और बात पे आप फोकस करें कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी ई, जी ई, एस ई या जेड ई, या जेड ई आई, जेड ई आई, अगर उसमें हम अगर एस लगाने पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका साउंड जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा जेड आई जेड, यानी इसको हम कहते हैं जिज, ठीक है। मतलब जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में सी जी ई एस ई और जेड ई आए, अगर उसमें हमने एस लगाना है, तो उस एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, हो जाएगा जिज लास्ट में। जैसे मान लो आप कहते हो जैसे रोज, आप जैसे कहते हो केज, आप जैसे मान लो, ठीक है, जैसे आप कहते हो प्राइज, तो यहां पे आप देख रहे हो कि एस ई जी ई और जेड ई का यूज है। अगर इसको हमने बनाया प्लूरल, अगर इसमें हमने एस लगाया, अगर हमने इसमें एस लगाया, या अगर हमने इसमें एस लगाया, तो फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रोजेज, इसका हो जाएगा केजेज, इसका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन प्राइजेज, इसका हो जाएगा प्राइजेज, ठीक है। तो जिसके लास्ट में रहेगा सी ई जी ई एस ई और जेड ई, उसमें एस लगाने पर इसका उच्चारण जो है वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स जिज, रोजेज, केजेस एंड प्राइजेस, राइट। तो देखो ये आपने फर्स्ट रूल आपने देखा होगा कि देखो जनरली हम लोग एस लगा के बनाते हैं प्लूरल किसी भी नाउन का। अब यहाँ देखो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि परंतु, एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच, ठीक है, या जेड आई, या जेड आई, उसमें ध्यान दोगे आप, उसमें ई एस लगाकर, उसमें ई एस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है, राइट। जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में रहेगा एस डबल एस एस एच सी एच या जेड, उसमें हम लगाते हैं ई एस, उसमें एस का यूज हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे ई एस का। कैसे, जैसे मान लो आप कहते हो बस, आप कहते हो किस, आप कहते हो बुश, या आप कहते हो टॉर्च, आप कहते हो क्विज, राइट। तो यहां पे लास्ट में आप देख रहे हो एस डबल एस एस एच सी एच या जेड, अगर इसको बनाना है आपको प्लूरल, तो इसमें हम ऐड करेंगे ई एस का, इसका क्या होगा प्लूरल, बी यू एस ई एस, इसका हो जाएगा के आई डबल एस ई एस, इसका हो जाएगा बी यू एस एच ई एस, इसका हो जाएगा ई एस। क्विज में एक डबल एड जेड को हम लोग ऐड करते हैं, बताएंगे आपको बाद में हम, ठीक है। तो जिसके लास्ट में रहेगा एस डबल एस एस एच सी एच और जेड,
उसमें हम ऐड करते हैं ईएस। आप यहाँ ईएस देख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जिसके लास्ट में ये सारे वर्ड्स नहीं आए उसमें केवल हम लोग एस लगाते हैं, और अगर एस लगाने पे उस वर्ड के लास्ट में पी के एफ दिया हुआ है तो उसका उच्चारण स होगा, बाकी जो है उनका जो उच्चारण है वो ज होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी आप लिख लो। ओके, देखें आप, आपका जो सेकंड रूल है ये वो आपका फर्स्ट रूल था। रूल सेकंड देखो आप, कि देखो 12 ऐसे नाउन्स हैं, 12 नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ई आते हैं, ठीक है ना। और उनका प्लूरल, ध्यान दोगे आप, उनका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को भी ई एस से बदला जाता है। आपको क्या करना है, एफ एफ ई को हटा के आपको वहां पे लगा देना है भी ई एस, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे नाउन से आप कहते हो काफ, आप कहते हो हाफ, आप कहते हो लाइफ, आप कहते हो लीफ, आप कहते हो नाइफ, आप कहते हो उल्फ, आप कहते हो वाइफ, आप कहते हो थीफ, ठीक है। फिर देखो आप आप कहते हो सेल्फ, आप कहते हो एस एच ई एल एफ शेल्फ, ठीक है ना। चलो तो काफ हाफ लाइफ और लीफ वाइफ थीफ नाइफ शेल्फ इट इज, ठीक है। तो देखो ये ऐसे जो नाउन्स हैं, है ना, ये जो ऐसे आप नाउन्स आप देख रहे हो, इसका अगर हमको बनाना होगा अगर प्लूरल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ है, जैसे मान लो काफ आप देखते हो, ठीक है, इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए एल भी ई एस, यानी कि एफ को हटा के लगा देना है ई एस। जिसके लास्ट में मान लो कि एफ ई आया, जैसे आप कहते हो वाइफ, अगर आपको इसका बनाना हो प्लूरल तो आप क्या करोगे, इसका हो जाएगा डब्ल्यू आई भी ई एस, यहाँ भी आपको ऐड कर देना है भी ई एस, राइट। तो थीफ का थीप्स हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, है ना जी, काफ का काफ्स हो जाएगा, ठीक है बेटे से। तो देखो ऐसे 12 नाउन्स हैं, और देखो इसके अलावा जो है आपका जो 3 नाउन्स हैं, 3 ऐसे नाउन्स हैं, जैसे आप कहते हो होफ वार्फ और एस्कार्फ, ठीक है ना। अगर आपको इनका बनाना हो प्लूरल तो देखो इनमें एस या भी ई एस दोनों ही लगाया जा सकता है, दोनों ही लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी जिस नाउन के लास्ट में रहेगा हूफ वार्फ या एस्कार्फ, उसमें आप एस लगाओ या उसमें आप भी ई एस लगाओ, देयर इज नो डिफरेंस, आप दोनों का ही यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो एच डबल ओ एफ एस, इसको ऐसे भी आप बना सकते हो एच डबल ओ भी ई एस, बोथ आर करेक्ट। या आप कह सकते हो एस्कार्फ, या आप कह सकते हो एस्कार्फ्स, यहाँ पे एस्कार्फ में आपने भी ई एस लगाया या केवल आपने एस लगाया, बोथ आर कंसिडर्ड करेक्ट, दोनों को हम लोग सही मानते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा इस देखो आप 12 + 3 इस 15 मतलब नाउन्स के अलावा, ठीक है, अन्य जो आपके जो मतलब नाउन्स हैं उसमें इन 15 को छोड़ के अन्य नाउन्स में देखो आप अन्य में केवल एस लगाया जाता है, एस लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो जैसे रूफ, या आप कहते हो चीफ, या आप कहते हो ड्वार्फ, ठीक है,
तो इनमें आप क्या करो, इनमें केवल हम लोग एस का यूज़ करेंगे, आर डबल ओ एफ एस सी एच आई ई एफ एस या डी डब्ल्यू ए आर एफ एस, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि 12 नाउंस होते हैं जिनके लास्ट में एफ एफ ई आते हैं, उनका अगर हम बनाएंगे हम प्लूरल तो एफ एफ ई को भी ई एस से हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसे 3 नाउंस हैं आपके, हुफ वार्फ एंड स्कार्फ। इसमें अगर इसमें आपके सामने डबल ऑप्शन है, या इसमें आप एस लगाओ या इसमें भी ई एस लगाओ। इन 15 को छोड़ के अन्य जो नाउंस हैं आपका, ठीक है, उसमें केवल हम लोग एस का यूज़ करके उनका हम लोग बनाएंगे प्लूरल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको आप लिख लो जल्दी। देखें इसका जो थर्ड रूल है वो देखें ऐसा है, अगर आपके अगर डिजिट्स का यूज़ है या वर्ब्स का यूज़ है, अगर डिग्रीज का बनाना हो आपको प्लूरल, या अगर आपको पोस्ट का बनाना हो प्लूरल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो आप कि डिजिट, वर्ब और डिग्री, इसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं बनाने के लिए प्लूरल। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का। जैसे मान लो आप कहते हो 5, ये तो एक आपका डिजिट है, अगर आपको इसका बनाना हो प्लूरल तो हो जाएगा 5s। या मान लो आप कहते हो जैसे विल, ये आपका वर्ब है, तो अगर इसका आपको बनाना हो प्लूरल तो हो जाएगा विल्स। या मान लो कि आप कहते हो जैसे BA या MA, अगर आपको इसका बनाना हो तो हो जाएगा BAs। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का, ठीक है। लेकिन देखो अगर पोस्ट की बात हो, अगर पोस्ट की बात हो, जैसे मान लो कि आप कहते हो MLA, या आप कहते हो BDO, या आप कहते हो MP, अगर आपको इनका बनाना हो प्लूरल तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा एस का यूज़ करते हैं। इसका हो जाएगा आपको प्लूरल MLA, लास्ट में आपको एस लगाना पड़ेगा, ये स्मॉल एस लगाते हैं तो बनता है प्लूरल, ठीक है। जैसे इसका हो जाएगा BDOs, इसका हो जाएगा MPs, ठीक है ना। तो अगर डिजिट्स हो, वर्ब्स हो, डिग्रीज हो, इसमें हम लोग इसमें हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का, और जो पोस्ट हैं जो दिखलाते हैं पर्सन को, ठीक है ना, तो इसमें हम यूज़ करते हैं किसका, इसमें हम यूज़ करते हैं MLAs का। जैसे कहते हो मान लो कि ऑल MLAs आर ऑनेस्ट, तो यहाँ आपको छोटा एस का यूज़ करना है यहाँ पे टू मेक देम प्लूरल। तो मेरे ख्याल से यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो नेक्स्ट रूल है वो आपको नेक्स्ट बोर्ड में होगा, इसको लिखें आप। देखें अब इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपका रूल है वो देखें आपको ऐसा है, इसको मैं कर दे रहा हूँ फैक्टराइज, देखें आप ध्यान से। अगर मान लो कोई आपका नंबर दिया हुआ है, इसके बाद अगर आपका नाउन का यूज, और इसके बाद अगर वर्ब का यूज, ठीक है, तो और यहाँ बात जो है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ बात मैं कर रहा हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, ठीक है। जैसे आप कहते हो, जैसे आप मान लो इसमें आप यूज़ करोगे पाउंड का, या इसमें आप यूज़ करोगे रुपीज़ का, ठीक है, या आवर का, या किलोस का, etc, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, अगर आपका नंबर दिया हुआ है, नंबर के बाद अगर आपका नाउन दिया हुआ है, तो ये नाउन जो, ये वर्ब जो है, ये हमेशा आपका सिंगुलर होगा, ऑलवेज। जैसे मान लो आप कहते हो कि 3000 माइल, या आपका एक ऑप्शन दिया रहा है माइल्स, फिर आपका ऑप्शन रहे इज या आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, आप कहना चाहते हो कि 3000 मील एक अच्छी, एक लंबी दूरी है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपका नाउन आता है प्लूरल, नंबर के बाद अगर केवल एक नाउन हो और उसके बाद अगर वर्ब का यूज हो, तो ये नाउन होता है हमेशा प्लूरल, मगर वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका सही क्या होगा, 3000 माइल्स होगा,
लेकिन वर्ब क्या दोगे, वर्ब दोगे आप सिंगुलर, यहाँ पे इच का हम यूज करेंगे। 3000 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। ये एक फर्स्ट फंडा है, देखें आप। इसके बाद सेकंड देखो आपका रूल है क्या कि अगर आपका कोई नंबर दिया हुआ है और इसके बाद में अगर आपका नाउन का यूज है और इसके बाद में फिर एक नाउन का यूज है, ठीक है। तो यहां देखो अगर आपका ए है या वन का यूज है, इसके बाद अगर नंबर है तो ये नाउन भी जो है आपका सिंगुलर होगा और ये नाउन भी आपका सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या दोगे, वर्ब दोगे आप सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि 1500, अगर यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिया जाए रुपी या रुपीस, फिर आपको बोला जाए नोट, फिर कहा जाए नोट्स, फिर यहाँ दिया जाए इज या आर नॉट एनफ, आप ये कहना चाहते हो कि एक 500 रुपये का नोट काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने अगर एरर्स में डबल ऑप्शन दिया जाए, ट्रिपल ऑप्शन दिया जाए, तो देखो अगर ए या वन का यूज है, इफ यूज ए और वन, तो फर्स्ट नाउन भी सिंगुलर होगा, सेकंड नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी हम यूज करेंगे सिंगुलर, राइट। इसको ध्यान दें आप, देखो आप परंतु अगर मोर देन वन, अगर एक से अधिक संख्या अगर डिजिट रहे और इसके बाद अगर आपका नंबर रहे, इसके बाद जो है आपका नाउन दिया रहे, फिर आपका एक नाउन दिया रहे, ठीक है, और फिर जो है अगर आपका वर्ब दिया रहे, राइट, तो आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होगा। यानी कि दो नाउन दिया रहे एक से अधिक डिजिट वाले मतलब सेंटेंस में, ठीक है, इसके बाद नंबर रहे, तो ये दो नाउन्स में फर्स्ट नाउन होगा सिंगुलर, वर्ब जो है सेकंड जो नाउन्स है वो आपको हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। और उसके बाद जो है आप वर्ब भी दोगे आप सिंगुलर। जैसे मान लो आप कहते हो देखो कि 6500 रुपी या रुपीज, अगर यहाँ दिया रहे नोट या नोट्स, फिर आपको ऑप्शन दिया रहे इज या आर नॉट एनफ, अगर ये आपका दिया रहे, ठीक है, अगर आपके सामने देख रहे हो ये फर्स्ट नाउन है, ये देख रहे हो आपका सेकंड नाउन है, फिर ये वर्ब है, तो देखो ये क्या है कि फर्स्ट नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होगा लेकिन सेकंड नाउन जो है ये हमेशा होगा आपका प्लूरल, वर्ब देंगे हम सिंगुलर, राइट। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट जो आपका रूल है, इसका जो पार्ट है वो देखें आप। अगर देखो हाइफन से लगा हुआ अगर कोई मतलब टर्म है, एक्सप्रेशन है, तो हाइफन वाले एक्सप्रेशन में हाइफन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन को रखेंगे, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि इट इज ए 10, अगर यहाँ आपको ऑप्शन दिया रहे मैन या मैन, कमिटी, ठीक है, या आप कहते हो कि इट वाज एन 11 11 मेंबर या मेंबर्स या मेंबर्स बोर्ड, ठीक है। तो देखो अगर हाइफन के बाद अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो हाइफन के बाद हमेशा हम नाउन रखते हैं सिंगुलर। याद रखना आप, यहाँ मेन नहीं होगा, यहाँ पे मेंबर्स नहीं होगा, राइट। क्या बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा इट इज़ अ 10 मैन कमेटी, या बोलना पड़ेगा इट वाज एन 11 मेंबर बोर्ड।
यहाँ पे मेंबर्स का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से देखो आप, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और नंबर के बाद अगर सिर्फ एक नाउन है, देयर इज़ ओनली वन नाउन, तो वो नाउन हमेशा होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब हम देंगे हमेशा सिंगुलर। फिर देखो सेकेंड है क्या कि अगर नंबर के साथ दो नाउन दिया हुआ है, अगर उसके पहले ए वन का यूज़ है तो दोनों ही नाउन होगा सिंगुलर, वर्ब होगा सिंगुलर। परंतु अगर मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा अगर कोई डिजिट संख्या दिया हुआ है, उसके बाद आपका नंबर है और उसके बाद अगर दो नाउन्स दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि दो नाउन्स में फर्स्ट नाउन हमेशा जो है आपका सिंगुलर होगा, लेकिन सेकेंड नाउन आपका होगा प्लूरल और वर्ब देंगे आप सिंगुलर। इसके अलावा देखो आपका हाइफन वाले एक्सप्रेशंस में हाइफन के बाद हमेशा हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन का। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, इसको लिखो आप। इसके बाद देखें इसका जो नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो देखें आप। आपको देखना ये है कि डेसिमल के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। दशमलव के बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा होता है प्लूरल। जैसे मान लो कहते हो कि इट इज 3.5 मिलीमीटर, या आप कहना चाहते हो मिलीमीटर्स इन लेंथ, ठीक है। आप कहना चाहते हो कि इसका लंबाई जो है 3.5 मिलीमीटर है। अब बताओ इसके बाद भी नाउन्स क्या दोगे आप? इसके बाद नाउन हमेशा होगा प्लूरल। क्या बोलोगे आप? इट इज 3.5 मिलीमीटर्स इन लेंथ। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपका है कि फ्रैक्शन के बाद हमेशा आपका नाउन आता है प्लूरल। प्लूरल नाउन्स आते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि वी वॉक्ड 2.5, टू एंड ए हाफ, और यहाँ आपके सामने ऑप्शन रहे किलोमीटर, सेकेंड आपका ऑप्शन रहे किलोमीटर्स, तो मुझे बताओ दोनों में क्या दोगे आप? तो देखो 2.5 क्या हो गया, 2.5 हो गया, यानी कि 2.5 हो गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो जो है मतलब यहाँ पे हमेशा नाउन देंगे हम प्लूरल, यहाँ पे कभी भी सिंगुलर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन नेवर यूज़, ठीक है। ये एक यहाँ पे बात है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट जो आपका रूल है वो देखो आपका है कि अगर मान लो आपका मतलब एक्सप्रेशन आपका रहे हाफ, पहले हाफ का पहले रूल पर समझोगा, अगर आपका रहेगा ए हाफ, इसके बाद अगर आपका किलो हो या पाउंड हो, ठीक है, या आवर हो, इट इज़ कुछ भी हो, तो ये सारे के सारे हमेशा रहेंगे सिंगुलर में, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई वांट ए हाफ किलो, या अगर रहेगा किलोज ऑफ मिल्क, ठीक है, तो आप कहना चाहते हो कि मुझे आधा किलो दूध चाहिए। तो देखो एक बात को ध्यान देंगे आप, वो बात देखो ये है कि अगर मान लो आपका वन है, आप वन देख रहे हो, अगर इसमें प्लस करोगे आप, अगर इसमें आप प्लस करते हो तो ये बन जाता है प्लूरल, लेकिन अगर वन है अगर इसको आप माइनस करते हो, जैसे मान लो कि हाफ हो गया, ठीक है ना, इट इज ए, तो ये तो इसको माना जाता है हमेशा सिंगुलर, यानी कि वन से आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा प्लूरल, और वन से अगर नीचे आओगे आप, माइनस में जाओगे आप, तो उसको माना जाता है सिंगुलर, वन को ही माना जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे? यहाँ पे आंसर दोगे आप आई वॉन्ट ए हाफ किलो ऑफ मिल्क। ऐसे भी आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट हाफ अ किलो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहे पोटैटो या पोटैटोज,
तो देखो यहाँ तो मतलब अनकाउंटेबल नाउन आ गया है, मिल्क ये तो वैसे भी रहेगा सिंगुलर ही। अगर ये रहेगा तो हाफ अ किलो के साथ, हाफ अ किलो हो या ए हाफ किलो हो, इनके साथ हमेशा हम नाउन देंगे सिंगुलर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है बच्चों, कि अगर आपका रहेगा वन एंड ए हाफ, वन एंड ए हाफ, तो मुझे बताओ ये तो वन से प्लस कर गया, वन से ऊपर बढ़ाइए, तो वन एंड ए हाफ, इसके बाद में जो है आपको नाउन देना पड़ेगा प्लूरल, इसके बाद सिंगुलर नाउन का हम यूज़ नहीं करेंगे अगर काउंटेबल नाउन है तो। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई वांट वन एंड ए हाफ, ए हाफ किलो या किलोज ऑफ पोटैटोज। मान लो कि आप कहना चाहते हो कि मुझे डेढ़ किलो आलू चाहिए, तो यहां पे बताओ वन एंड ए हाफ के बाद में आप नाउन कौन सा दोगे, सिंगुलर या प्लूरल? वन एंड ए हाफ के बाद आपको नाउन देना पड़ेगा प्लूरल, यहां फिर सिंगुलर नाउन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा, और ये बड़ा एग्जाम में आता है, इसको एकदम ध्यान से देखना चाहिए आपको, कि इसको लिखें आप, देखें आप ध्यान से। इसके बाद एक रूल आपका और आपको हम चाहेंगे बताना, देखें आप, जैसे मानो आप कहते हो कि अगर द के बाद में अगर आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है और इसके बाद में फिर अगर आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसके बाद में आपको यूज करना है नाउन प्लूरल का, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये आपका रूल है। देखें आप, जैसे कि आप कहते हो मान लो कि सी लाइक्स द पोएट्री ऑफ, या सी लाइक्स चलो ठीक है, द पोएट्री ऑफ द 16th एंड 17th, अगर यहां आपके सामने ऑप्शन दिया रहे सेंचुरी, या अगर आपको ऑप्शन दिया रहे सेंचुरीज, राइट, तो आपको ध्यान देना है, बताओ यहां पे 16, ये जो है ये और ये 16 और 17वीं सदी, ये क्या, यहां तो आर्टिकल्स, यहां तो द का प्रयोग नहीं है। अगर द का प्रयोग सेकेंड एडजेक्टिव, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे नंबर वाले एडजेक्टिव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल एडजेक्टिव, राइट। तो अगर सेकेंड एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं है तो वर्ब हम हमेशा लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेंचुरीज, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। या आप एग्जाम्पल एक और देखो, आप कहते हो मान लो कि डॉक्टर रवि इज द वाइस चांसलर ऑफ पटना एंड मगध। अगर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया रहे है यूनिवर्सिटी, सेकेंड आपका ऑप्शन रहे यूनिवर्सिटीज, तो बताओ यहाँ पे आप देख रहे, यहाँ पे पटना या मगध जो है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन्स के पहले आया है, तो आप यहाँ देखें सेकेंड नाउन के पहले तो द का प्रयोग नहीं है, वैसे भी पर्सनल नेम के पहले वी डोंट यूज द, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर में भर देंगे हमेशा आप प्लूरल, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या अगर मान लो आपका द प्लस एडजेक्टिव है, इसके बाद फिर आपका द प्लस एडजेक्टिव आ गया, यानी देखो आप दोनों ही एडजेक्टिव के पहले अगर द का प्रयोग है तो इसके बाद में हमेशा हम नाउन देंगे सिंगुलर, इसके बाद में हमेशा आपका नाउन आता है सिंगुलर, राइट। इसको आप फोकस करें, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कहते हो कि द फर्स्ट
एंड द थर्ड, अगर यहां रहे चैप्टर, एक ऑप्शन रहे चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, ठीक है, और या इज इंटरेस्टिंग। जाहिर सी बात है कि दो अलग चैप्टर की बात है यहाँ भर, तो यहाँ पे हम आड़ ही देंगे, ठीक है। यहाँ मुझे बताओ यहाँ पे चैप्टर होगा कि यहाँ पे चैप्टर्स होगा। आपको ये फोकस करना है कि अगर दोनों ही एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, अगर दोनों ही जो एडजेक्टिव है उसके पहले अगर आपका द लगा हुआ है तो नाउन देंगे हमेशा आप सिंगुलर। देखो जैसे अपोजिट है, अगर सेकेंड एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं है तो नाउन होगा प्लूरल, अगर सेकेंड कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है तो आप हमेशा दोगे सिंगुलर, नाउन का यूज़ करोगे। यहाँ पे यूज़ हम नहीं करेंगे प्लूरल का, राइट। तो मेरे ख्याल से ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा, ओके, इसको भी आप लिख लो। देखें आप ध्यान से बच्चों, इसके बाद जो है जो आपका जो नेक्स्ट रूल है वो चाहेंगे बताना, आपको देखें आप कुछ नाउंस को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। देखो मेरे यहाँ कहने का सेंस क्या है, यहाँ मेरे देखो कहने का सेंस ये है कि इसमें इनमें ना ही एस या ई एस, एस या ई एस जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, ना ही इनके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मान लो देखो ऐसे नाउंस कौन कौन से हैं, देखो आप कहते हो एडवाइस, आप कहते हो फर्नीचर, आप कहते हो लगेज, ठीक है, आप कहते हो सीनरी, आप कहते हो मैसेनरी, ठीक है, आप कहते हो कटलेट, CUTLET कटलेट, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो जैसे मान लो कि आप कहते हो एडवाइस, लगेज, मैसेनरी, पोएट्री, कटलेस, ठीक है ना, कटलेरी हो गया, चले आप इसके बाद पोएट्री, उसके बाद देखो आप ब्रेड, ठीक है। तो देखो आप एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, मैसेनरी, कटलेट, पोएट्री, ब्रेड, ठीक है ना। तो ये सारे जो नाउंस देख रहे हो आप, यहाँ पे बैगेज भी आप डाल सकते हो, बैगेज, ठीक है, इनके पहले कभी भी ए या एन का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इनमें कभी भी एस या एस हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो, अगर आपके सामने ऑप्शन दिया जाए कि आई लाइक द पोएट्रीज या पोएट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसमें एक और वर्ड है आप जोड़ लो, इन्फॉर्मेशन। तो आपके सामने देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर या आई लाइक द पोएट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सेकंड देखो जैसे कि आप कहते हो कि आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो दोनों ही सेंटेंस आपका गलत है, और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूज़ करना पड़ेगा पोएट्री का, क्योंकि पोएट्री का पोएट्रीज आप नहीं कर सकते हो, इनका जो प्लूरल है हम लोग एस ई एस लगा के हम लोग नहीं बना सकते हैं, और ना ही इनके पहले ए एन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो नोट में एक बात आप ध्यान से देखो कि अगर इनको बनाना हो आपको काउंटेबल नाउंस, मान लो
अगर इन अनकाउंटेबल नाउंस को बनाना हो काउंटेबल नाउंस, तो देखो ए पीस ऑफ या आप कह सकते हो टू पीसेज ऑफ एटीसी का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि आप कहते हो मेरे पास एक सूचना है, तो आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, आपको गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा क्या, आई हैव ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट। या आप कहते हो कि मेरे पास, मान लो कि आप कहते हो, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, अगर ब्रेड को बनाना है काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोफ का, ALOAF, ए लोफ ऑफ। या मान लो आप कहते हो टू लोफ्स ऑफ, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि मुझे एक रोटी चाहिए, आप वाक्य बनाते हो कि मुझे एक रोटी चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई वांट ए लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड में ऐसा आपने लगा सकते हो, जैसे मान लो आप कहते हो कि आई वांट टू लोफ्स ऑफ ब्रेड, तो वाक्य आपका ये सही होगा। ठीक है ना, तो देखें आप नाउन के नंबर सेगमेंट का कई सारे रूल्स हैं, अभी इसका रूल्स ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा या जो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है नाउन नंबर का, वो हम चाहेंगे आपसे शेयर करना नेक्स्ट वीडियो में। तो नंबर का दो वीडियो बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट का आप वेट करें। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको इन्जॉय करें और इस पर एक अच्छा ग्रिप बनाएं। ओके, थैंक्स।